नमस्कार। आज अहमदाबाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन तथा महर्षि वेदव्यास एकेडमी के तत्वावधान में वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जैसी अध्यात्म विद्याओं के छात्रों को पीएचडी की डिग्रियां प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थित रहने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन की वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट डॉक्टर हीना ओझा हमारे साथ उपस्थित है। आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। आज के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताइए। आज हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स विंग प्रेसिडेंट, मैं हूँ डॉक्टर हीना ओझा मुंबई से, और आज हम पीएचडी तीन व्यक्तियों ने की है, लेडीज़ों ने, महिला के अंदर। तो पीएचडी क्या है, कैसे है, और उन लोगों ने पीएचडी में क्या क्या किया, तो आज आप मुँह जुबानी उनके सामने ही सुनिए कि कैसे एक ने वास्तु पे किया, रेकी पे किया, और चार केंद्र के स्थान कुंडली के ऊपर से। तो आज हम सबको मिलके हम उसके साथ बात करेंगे। तो फर्स्ट राजेश्वरी जी, आप आइए। जी, स्वागत है आपका। परिचय। नमस्ते, मेरा नाम राजेश्री श्रीकांत चौधरी है, मैं मुंबई से आई हूँ यहाँ पे आज पीएचडी का अवार्ड लेने के लिए वास्तु के माध्यम से। और तो आज आपको कैसा लग रहा है राजेश्वरी? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जिसका मैं वेट कर रही थी इतने सालों से, और ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं पीएचडी करूँ, लेकिन मेरा व्यस्त जीवन था और काम से मुझे फुर्सत भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने 2 साल पहले जॉब क्विट किया, बीएमसी में मैं ऑफिसर थी, तो मैंने जॉब क्विट किया क्योंकि मुझे इसमें काम करना था और पीएचडी भी करनी थी वास्तुशास्त्र में। और राजेश्वरी जी, आपको क्या लगता है कि वास्तु करने से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है? हमारे घर के अंदर जो पितृ दोष होता है घर के अंदर, कभी कभी युवा हस्बैंड वाइफ के मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब होती है, चिल्ड्रन पढ़ नहीं सकते, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत ही फर्क होता है, मुझे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जिनका मैंने काम किया है उनके भी अच्छे एक्सपीरियंस है। तो ये क्या आप शेयर कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। साउथ ईस्ट दिशा है तो वो अग्नि कोण है, तो वहाँ पे हम जल तत्व रख दे, वाटरफॉल्स रख दे, तो क्या होता है? जरूर, अगर साउथ ईस्ट दिशा है वो तो अग्नि तत्व है और फायर एलिमेंट है। अगर पंच तत्व से देखा जाए तो वो फायर एलिमेंट है और वहाँ पे फायर होना चाहिए, अग्नि होना चाहिए जो कि अपने को एनर्जी देती है या काम में अपने प्रोग्रेस करती है, ऊर्जा देती है, और लेडीज़ का जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा वहाँ पे और फेवरेबल होता है। अगर वहाँ पे पानी आए तो अग्नि की जगह पे वाटर एलिमेंट आए तो अग्नि बुझ जाता है, तो वाटर एलिमेंट का इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, जो प्रगति के लिए हानिकारक है, लेडीज़ की प्रगति के लिए भी हानिकारक है, हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी काम किया वहाँ के एक्सपीरियंस है, और इसका अगर हम दोष निवारण करते हैं तो उसकी वजह से बहुत कुछ और हम लोग साध्य कर सकते हैं। तो राजेश्वरी जी का कहना बहुत ही अच्छा है, तो हमारे घर में वास्तु होना बहुत ही ज़रूरी है। वास्तु करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं तो वो हम आज देखा राजेश्वरी के मुँह जुबानी। तो इसलिए आप लोग गलत नहीं समझे कि वास्तु नहीं करना चाहिए, वास्तु वाले को पैसे क्यों दे, लेकिन घर की एनर्जी हमारे साथ काम करती है, घर की एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। जैसे ईस्ट दिशा है तो ईस्ट दिशा में हमने लोखंड का कबाट रख दिया तो क्या होता है कि जो व्यक्ति का फ्लैट का घर होता है ना जिसके नाम पर, उसके सिर पे पूरा भार आ जाता है, तो इसीलिए वो काम नहीं कर पाता है और उसके वजह से घर में लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट दिशा और ईस्ट दिशा हमें खाली रखनी चाहिए और वहाँ पर भगवान को स्थान दिया गया। वैसे ही एक और चीज़, नॉर्थ ईस्ट दिशा में टॉयलेट आ जाता है तो क्या होता है, तो टॉयलेट आ जाने से क्या होता है कि घर के अंदर जिसके नाम का भी फ्लैट है, बुजुर्ग आदमी, उनको सिर का कैंसर होने की शक्यता बढ़ जाती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस राजेश्वरी जी ने और मैंने भी किए हुए, तो बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी हम दूसरे पीएचडी जिसने की है रूपल जी, तो रूपल देसाई जी से हम रेकी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि रेकी और चक्र क्या बात करते हैं, रेकी हमारे जीवन में क्या होता है। कभी कोई ब्लैक मैजिक समझता है लेकिन रेकी ब्लैक मैजिक नहीं है, वो चक्र। जैसे हमारे घर में मेन इलेक्ट्रिक स्विच होती है, वो मेन इलेक्ट्रिक स्विच हम बंद कर देते तो क्या होता है, सारे चक्र काम करना बंद कर देते। जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र यहाँ पे आया हुआ है, तो उसके बारे में हम रूपल जी से जानेंगे, उसने आज पीएचडी की है इंटरनेशनल से, रूपल देसाई जी। तो मूलाधार चक्र क्या काम करता है हमारे शरीर का? मूलाधार चक्र अगर वीक होता है किसी का तो उसे बहुत सारी समस्याएं होती है, जिससे फाइनेंशियली तो होता ही है, पर उनको जो शरीर में जो पेन होती है, पैरों में तकलीफ होती है, उनके कमर में तकलीफ होती है, वो कुछ मतलब करने को मतलब उनका आलस्य आ जाता है, स्वभाव में आलस्य पड़ जाता है, कुछ कर नहीं सकते, असुरक्षितता लगती है उन्हें,
तो वो सारा क्योर करने के लिए हमें इस तरह चक्र को हील करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि हमारे शरीर में 7 चक्र मेन है, वो 7 चक्र हमारे शरीर के हर एक पार्ट में के जिम्मेदारी ली हुई है। जो चक्र को हील करने से शरीर के दूसरे पार्ट को हम हील कर सकते हैं, यानी कि हम अच्छा कर सकते हैं। शरीर के किसी भी पार्ट में तकलीफ हो, पेन हो, और जैसे घर में भी नेगेटिविटी फैली हुई रहती है तो उसे भी हम निकाल सकते हैं। व्यक्ति में नेगेटिविटी रहती है उसे भी निकाल सकते हैं। हीलिंग के द्वारा यानी रेकी हीलिंग एक ऑल्टरनेट थेरेपी है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर की ट्रीटमेंट मत करो। डॉक्टर लोग बाहरी उपचार आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे से करते हैं, पर आंतरिक उपचार यानी चक्रस को हील करके जो आपका मेन रूट पकड़ के जो उनको हील करना है वो एक रेकी मास्टर कर सकता है और बहुत ही अच्छे से कर सकता है। तो आज मैंने रेकी में 7 चक्र का थीसिस लिखकर ये डिग्री प्राप्त की है, PhD की डिग्री प्राप्त की है। थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन रूपा जी। अभी हमने देखा कि रेकी क्या हमारे साथ काम करता है और कैसे चक्र के बारे में होती है। तो अभी हमारा नेक्स्ट PhD है सोनल जी, जिसने कुंडली के जन्माक्षर के अंदर, कुंडली के अंदर 4 भाव के अंदर 4 केंद्र के स्थान जोड़े थे, उसके अंदर उन्होंने PhD की है। तो PhD के बारे में हम सोनल के जुबानी सुनेंगे। सोनल जी के बिना बहन, तो आपको मैं भी वही पूछना चाहूँगी, कुंडली के अंदर जो 4 केंद्र के भाव रहते हैं उसमें कौन सा भाव 4 केंद्रों में से कौन सा भाव कौन सी राशि क्या काम करते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि इनके घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो कौन सा भाव उसमें कनेक्टेड होता है? 10वें भाव में गुरु हो, हाँ, तो इनकम टैक्स की रेट पड़ती है। और कुंडली के 4 भाव 1, 4, 7, 10 है, उसको केंद्र स्थान बोलते हैं हम। और जो पहला भाव है मतलब उसमें जो भी ग्रह अच्छा हो उसके हिसाब से व्यक्ति का शारीरिक देखा हम लोग जान सकते हैं। और चौथे भाव में अच्छा ग्रह तो उससे व्यक्ति की जातक की मतलब प्रॉपर्टी क्या है वो देख सकते हैं। और सातवें भाव से जो बोलते हैं उसमें से हम उनके शादी, दाम्पत्य जीवन, भागीदारी ये सब देख सकते हैं। और जो 10वां भाव है जिसको कर्मस्थान राजभवन बोलते हैं, उसमें हम व्यक्ति का व्यवसाय, उसकी पूरी लाइफ टाइम का जो भी व्यवसाय उसमें कैसा रहता है, सब ग्रह उसमें कैसे बढ़े वो देख के वो सब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सोनल जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। 4 केंद्र के स्थान के 1, 4, 7, 10 है, तो उसे व्यक्तित्व का कुंडली पे से सारा भविष्य हम दिखा सकते हैं। तो सोनल जी का बहुत बहुत ही धन्यवाद। और जन्माक्षर देखना बहुत ही जरूरी है, कोई लोग जन्माक्षर नहीं निकालते, नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा शरीर का व्यक्तित्व, हमारा हाल चाल, हम बिजनेस क्या करें, हम जॉब क्या करें, हमारा एजुकेशन कितना होगा, तो सारी बातें कुंडली पे से पता चलती है। तो आप उसमें श्रद्धा और विश्वास रखें तो हमें रिजल्ट मिलता है। और रेमेडी करनी ज़रूरी रहती है, छोटी छोटी रेमेडी होती है, जैसे हेलो गुजरात में मेरा टेरोट पर से प्रिडिक्शन आता है वीकली, मेष राशि का, तो आप वो देखें तो उसमें सारा रेमेडी बताया जाता है। जैसे एक मिनट सरस्वती भाई से बात कीजिए। हाँ, जैसे आपने सभी प्रकार की ज्योतिष विद्याओं में अभ्यास किया है, आपका खुद का रिसर्च भी है, तो हेलो गुजरात पे तो हर सप्ताहांत आपका टैरोट बेस्ड राशि भविष्य आता है। इसके उपरांत भी और कई कई प्लेटफॉर्म्स पर आप जैसे कि रमल से है या कोडी से है या अपने इंट्यूशन से है आप प्रेडिक्शन करते हैं, गाइड करते हैं, इसके बारे में भी बताइए। उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। कभी कभी कोई लोग मध्यम वर्ग के भी होते हैं, तो वो जैसे वास्तु करते तो वास्तु के अंदर कौन सी दिशा, अभी जैसे ईस्ट दिशा है तो ईस्ट दिशा का खुराक क्या है, तो मैंने उसके ऊपर अनाज के ऊपर वास्तु किया हुआ है। ईस्ट दिशा का खुराक है सूर्यदेव का गेहूँ, तो गेहूँ भी हम वहाँ पे रखे सूर्यदेव को अर्पण कर सकते हैं, और जल भी चढ़ा के गायत्री मंत्र बोल के वो भी कर सकते हैं। वैसे ही अभी ईस्ट दिशा में गोचर की जो कुंडली रहती है उधर ईस्ट दिशा में सूर्य के साथ 5वें घर में उसके साथ में शनि बैठा है, तो बच्चों को भी इफेक्ट होता है। तो हमें क्या करना है, शनि देव का हमारे घर पे ऐसे तौर पे गेस्ट आए हुए हैं तो हम उधर उड़द की दाल भी रख सकते हैं गेहूँ के साथ, तो क्या होता है कि शनि देव भी खुश हो जाते हैं, सूर्य देव भी खुश हो जाते हैं और हमको आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलते हैं। इसीलिए अनाज पैसे भी वास्तु हम आम जनता को भी दे सकते हैं, और उसमें मेरी मास्टरी, मैंने रिसर्च किया हुआ है कि वास्तु कठोर पैसे वास्तु कैसे करना है। सीरियल्स जो चना है, दाल है, उससे जैसे गुरु है तो वो पीली चना की दाल रहती है, शनि देव है तो उनका पूरा उड़द की दाल है, ब्लैक उड़द का दाल है। वैसे बुध है तो ग्रीन कलर के मूंग ले सकते हो, फिर मंगल है तो मसूर की दाल ले सकते हो,
तो चंद्र है तो चावल ले सकते हो। तो ऐसे सब दिशा के अपने अपने खुराक है। हमारे भी जैसे खुराक है, मुझे पानीपुरी बहुत अच्छी लगती है तो मुझे पानीपुरी खिलाए तो मैं खुश हो जाती हूँ, तो मेरे दुश्मन आते तो मैं उसको भी उसके ऊपर भी खुश हो जाती है। तो इसलिए ऐसे खुराक, गोचर के ग्रह क्या है, कुंडली के ग्रह क्या है, दोनों को मिक्स करके फिर वहाँ पे खुरा अनाज रखा जाए तो बहुत ही बेनिफिट मिलता है। दैट इज़ मैंने बहुत सारे ऐसे किए हुए हैं और बहुत लोग को फ़ायदा मिला हुआ है। जैसे 25-30-40 हज़ार 50 हज़ार का वास्तु करने से भी इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, इससे मिल जाता है, लेकिन वीकली वीकली वो चेंज करना रहता है और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है कि हम वो ही हमारी जो दिशा में हमने जो अनाज रखा है उसको हमें पशु पक्षियों को डाल देना है और वीकली वीकली चेंज करना है। तो ऐसी अधिक जानकारी के लिए और निजी मार्गदर्शन के लिए भी दर्शक आपका संपर्क कर सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर हिना ओझा है और हेलो चैनल, हेलो गुजरात चैनल में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303 और कुछ नई नई टिप्स मिलती रहेगी और कुछ हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसमें से हम आपको बाहर निकालने के हो सके तो इतनी करेंगे और हमारी व्यवस्था रहेगी। वैसे मैंने देखा कि आप वास्तु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टेरो, इन सब में महिला छात्राओं को भी प्राधान्य देती है, महिलाओं को आप प्लेटफॉर्म देती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि और भी महिलाएं भी इस क्षेत्र से जुड़े। हमारे साथ काफ़ी महिलाएं हैं जो कभी कभी हाउस वाइफ होती है, वो महिला काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ हम लोग वर्कशॉप भी लेते हैं मुंबई में और काफ़ी जगह पे वर्कशॉप हमारे चल रहे हैं और अभी तो ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आगे जाके वो क्या हाउस वाइफ नहीं, घर की महिला एक घर से बाहर निकल के भी अपना काम कर सकती है और घर भी चला सकती है और लोगों को बता भी सकती है। लेकिन एक है कि स्त्रियों को वो अपने पुरुष से आगे नहीं जाए ऐसा भी नहीं है। हम लोग भी काम करते हैं, पुरुष भी काम करते हैं, दोनों की एक ही है, लेकिन कभी कभी सोचने का तरीका अलग रहता है। तो सोच हमारी है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है और ये जीवन में और अभी जो चल रहा है उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सरस्वती जी।